बीजेपी ने पिछले 10 महीनों में विधानसभा चुनाव में हारी हुई बाजी अपने नाम कर ली। पहले बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के हाथों से सत्ता छीनी, तो अब वही मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की भी सत्ता से विदाई तय कर दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा की दूसरी पारी जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। पिछले 10 महीनों में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई दो राज्यों की बाजी को अपने नाम कर लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के दो राज्यों की सत्ता को अपने पाले में ले लिया। लोकसभा चुनाव के फौरन बाद बीजेपी ने पहले कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस के हाथों से सत्ता छीनी, तो अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है। कमलनाथ ने राजभवन जाकर राज्यपाल लालजी टंडन को इस्तीफा सौंप दिया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने पुरानी सरकार की सत्ता से विदाई हो गई। कमलनाथ ने इस्तीफे के बाद कहा कि लोभी और प्रलोभी जीत गए। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोभियों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मैदान में उतरी थी और कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा था। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 114, बीजेपी ने 109, बसपा ने 2, सपा ने 1 और 4 निर्दलीय जीते थे। कमलनाथ ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन में सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 15 महीने के बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के जरिए कमलनाथ की सत्ता छीन ली है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम किरदार निभाया है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। उनके 22 समर्थक विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से कमलनाथ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कमलनाथ ने अपनी सरकार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कमलनाथ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चेहरा काला किया गया, मध्य प्रदेश के लोकतंत्र की हत्या की गई, जग जाहिर है। एक तरफ है पीठ में छुरा घोंपने का उदाहरण, एक तरफ है विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदना और महिलाओं का भी उसमें उपयोग करना और उनको बस में करना, विधायकों को बस में करना, और तीसरा शिवराज का चेहरा सत्ता लोलुपता का, जिसके लिए सब कुछ करना, नाक रगड़ना, रोड जाना, हद दर्जे की अनैतिक वर्क में अपने आप को संलिग्न करना, तीन चेहरे निकले मध्य प्रदेश के इस पूरे घटनाक्रम से। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना काम बताया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने सबसे पहले ऑपरेशन लोटस को कर्नाटक में आजमाया। इसके बाद फिर बारी मध्य प्रदेश की आई। निर्दलीय बसपा सपा विधायकों के समर्थन से बनी कांग्रेस सरकार शुरू से ही अंतर्कलह से जूझती नजर आई। हाशिए पर धकेले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 22 विधायक बगावत करके बेंगलुरु पहुंच गए और फिर यहीं से कमलनाथ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंततः कमलनाथ को सरेंडर करना पड़ा और प्रदेश में चौथी बार कमल खिलने का रास्ता साफ हो गया। कांग्रेस सरकार बनाए और चलाए, 5 साल सरकार चले, जब भी आप पूछते थे हम यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कभी सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेगी, लेकिन अपने अंतर विरोधों के कारण अगर सरकार गिर जाए और कांग्रेस के मित्री अगर संतुष्ट न रह पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बार भी अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता गिराने बचाने के खेल में नहीं रही। स्थितियां मध्य प्रदेश की इतनी विस्फोटक हो गई कि कांग्रेस के मित्र इतने नाराज हो गए
प्रदेश की बदहाली देख के, दुरावस्था देख के। कमलनाथ जी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये सरकार गिर गई। और सवा साल में जनता ने भी ये महसूस हुआ किया कि हमारा प्रदेश तबाह और बर्बाद हुआ है, अपने वोट से ये सरकार गिरी है और आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब वो आत्मविश्लेषण करें, कैसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के हाथों से मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य छिनकर भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।